अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील माजी नगरसेवक तथा माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्वीय सहाय्यक दीपक तायडे यांनी सांप्रदायिक वातावरण दूषित होईल अशा प्रकारची आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते अशफाक पटेल यांनी जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI प्रताप इंगळे यांना दिले आहे। मैं अशफाक अहमद पटेल, आज दो दिन ये आज यहाँ पर आकर पुलिस में कंप्लेंट करने का निमित्त ऐसा कि दो दिन पहले हमारे जो जामनेर के विधायक हैं श्री गिरीश महाजन साहब, जो कि माजी मंत्री भी रह चुके हैं, इनका पर्सनल असिस्टेंट है दीपक तायड़े, इन्होंने दो दिन पहले जो है एक पोस्ट ऐसी वायरल की जिसके अंदर लिखा जो NRC के फेवर में है लेकिन इतना डिरोगेटरी NRC के समर्थन में इन्होंने लोगों से समर्थन जुटाने के लिए परसों के रोज़ यानी 22 दिसंबर को एक पोस्ट वायरल की जिसमें उन्होंने एक ऐसा फ़ोटो डाला जो किसी मुस्लिम लड़के का प्रतीकात्मक है, जो एक अमर स्तंभ को जो है तो वो लात मार रहा है। उन्होंने उस पर लिखा कि कभी भारत का नागरिक हो नहीं सकता, ये केवल पाले हुए सुअर हैं, इसलिए NRC की ज़रूरत है। ये इन्होंने शब्दों का यूज़ किया, ये इन्होंने शब्दों का उच्चार किया और इसको वायरल किया। उसके नीचे इन्होंने और लिखा, दंगे कर बसे कर ट्रेनें जलाकर तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम्हें देश से प्यार नहीं, तुम शरण नहीं बल्कि देश पर कब्जा चाहते हो। इस किस्म के ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा करके दो समाज के बीच में अगर ये दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं तो हमें तो हमारे भारत को एकजुट रखना है, एक साथ रखना है। अगर माननीय आमदार जो के 25 साल से और अभी उनका 26वां साल है, उनकी 6ठी टर्म है जिसके अंदर वो इतने ऊंचे पद पर है, एक संवैधानिक पद पर है, उनका असिस्टेंट अगर ऐसी हरकत करता है तो क्या ये यानी क्या ये भाजपा और RSS एक संगठनात्मक तौर पर इसको आगे बढ़ा रही है और लोगों के अंदर दूरियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रही है या नहीं। इसका रिएक्शन भी हमको जो है तो कल के उन ABVP के CA और NRC के फेवर में निकले हुए मोर्चे के अंदर आया। अब सवाल ये है, CAA लगाया वो तो समझ में आया लेकिन NRC तो लगाया ही नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री और उनकी टीम कहती है कि NRC के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई और फिर ABVP और RSS इसके लिए समर्थन क्यों जुटा रही है लोगों से जब NRC आ नहीं रहा है तो, और समर्थन जुटाने के अंदर ये भारत के नागरिकों के दरमियान झूठी अफवाहें फैला करके लोगों के दरमियान दूरियाँ बढ़ाने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इसके खिलाफ हम हैं। अगर भारत की अखंडता के बारे में वो बात करते हैं तो हम अखंडता को बाधित करने वाली हर चीज़ के खिलाफ हैं। हमको अखंडता आकर रखना है तो आपको सबको आगे आकर के लोगों के साथ में मेल मोहब्बत और प्यार का ये करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वैसे माहौल को जो है तो पैदा करना चाहिए। मैंने जो निवेदन दिया है ये निवेदन में क्लियर कट हमने लिखा है कि हमारी भावनाएं इससे आहत हुई हैं, इससे दो समाज के बीच में तेढ़ हो सकता है, उनके बीच में जो है तो नफरतें परवान चढ़ सकती हैं और ऐसी नफरतों को जो है तो परवान नहीं चढ़ने दिया जाए। इसका काम ये एक जिम्मेदार नागरिक का काम है तो इसके लिए हमने आज पुलिस में करीबन 600 लोगों का जो है तो सिग्नेचर के साथ में ये है, क्योंकि हम मोर्चा ला नहीं सकते थे, इतना मौका नहीं था और हमको मोर्चे की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमको फिलहाल न्यायपालिका और पुलिस के प्रशासन पर पूरी तरीके से विश्वास है और हमें उम्मीद है कम से कम महाराष्ट्र के अंदर जो है तो सारे पुलिस वाले ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जो है तो जो भी कानून के तहत उनके ऊपर जो ये होना चाहिए कि ताज़ीर लगाना चाहिए, जो चार्जेस लगाना चाहिए वो लगाए जाएंगे और उनको जो है तो अदालत के सामने पेश करके इसकी जवाबदेही मांगी जाएगी, इसकी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।